धान की फसल मंडियों में आने से पहले राज्य सरकार द्वारा दावे किए जा रहे थे कि फसल की खरीद और रखरखाव के लिए मंडियों में पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं, लेकिन अगर बात करें जमीनी हकीकत की तो वो इन दावों से कोसों दूर नजर आ रही है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीती रात हुई बरसात की वजह से जिले की मंडियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। इस संबंधी जब किसानों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्रबंध सिर्फ खबरों में होते हैं, हम लोग हर 6 महीने बाद मंडियों में आते हैं लेकिन इंतजाम वैसे के वैसे ही मिलते हैं। उन्होंने कहा कि बरसात की वजह से फसलें खराब हो चुकी हैं क्योंकि मंडी में फसल को बचाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। पठानकोट से लकी सरोज की रिपोर्ट, केआरटी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम तारा सिंह है जी, मंडी आए हैं यहीं शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी से, मंडी पिंड भोए से। साडा सारा सोने का नुकसान हो गया, देखो साढ़े सामने ढेरी खड़ी है, पानी के बिच डुब गई है, जिन्नी देर ढेरी जी बोली हो गई बोरियां नहीं भरिया गई, ढेरी साड़ी है तो पानी के बिच डुब गई है, फड़ पक्का पर फड़ बहुत पुराना बने दा है, नीवा हो गया सड़क नालों, इहदा निकासी नहीं हैगी कोई, ना इहदे कोल मंडी च कोई तरपाल की व्यवस्था है सरकार वालों, ना कुछ, जिहड़ा नुकसान होया वो सारा जिमीदार दा ही होया। मैं तकरीबन इत्थे 250 क्विंटल झोना लै गया, दावे दे जनाब खबरां जी हुंदे आ, असीं हर 6 महीने बाद मंडियां जाने आ, मंडियां जो हाल देखने को मिलता है, हर साल मंडी च सीजन च एक बारिश हो ही जाती है तो जो सीजन च बारिश हो जाए तो नुकसान होता ही होता, नहीं लभदी कुछ नहीं, कई बार घरों तरपाल लिया के दें इतने, असं यही कहने भी जो झोना नुकसान होना सा झोने का मॉइस्चर बढ़ गया तो उन्होंने उस मॉइस्चर हिसाब न भर के पेमेंट पूरी की है, क्योंकि साढ़ा इतने कोई कसूर नहीं, अभी 16-17 मॉइस्चर झोना वढ़ के लिया जमीन चो, इतने आ के नुकसान होया वो सरकार का कम ही सामना, तरपाला देती या टाइम भर कुछ भी कर, तरपाला दिखा कुछ अभी घरों लिया के दिखा, इन को तरपाला कि ढेरिया पे दी, इन्हों बारदाना नहीं कई भी मिलता ढेरिया भरने वास्ते, फिर तरपाला थोड़िया बहुत इन्हों को भी होंगे, इन्होंने अपना माल भी ढकना ही, तो बाकी घरों लिया के भी दिखा कुछ ढेरिया नंगिया भी आईया, देख लो सामने ढेरिया नंगिया भी आई। मेरा नाम रजनीश कुमार है, सानो तरसेमवाल पिंड भोआ, मैं भोआ मंडी च अनमोल ट्रेडर को दाने लै गया, मेरे दाणियां दा मुक्सर मास्टर जो है बिल्कुल सही 17 आया, लेकिन हम बारिश पैन करके इधर ध्यान माड़ा जहा भी पानी पानी है, साडी ते सरकार अगे जा महकमे अगे बेनती है भी साडा झोना जिहड़ा पूरे मोस्चर दा पूरे भार नाल भरिया जाए, आड़ती नूं जां जिमीदार नूं परेशान नहीं किया जाए, कुदरत दी मार है, बाकी ये देख लो सरकार दे मंडी बोर्ड सरकार इन्ने पैसे जो जिमीदारां दे कट्टे जांदे आ ते फड़ उहनां दे देख लो तलाब बणे दे आ, ते बाकी सुक्का सड़कां सुड़कां सुक्कियां ते जिथे झोने आ तलाब बणे दे आ, सरकार तों मंग इही करने वी साडा झोना जिहड़ा उह भरिया जाए और सानूं सही उहदा प्रॉपर जो भाव आ उह दित्ता जाए, बाकी सरकार दे जिहड़े नुमाइंदे ने वह भी आ गए इन्हू देख आ गए इतने फेरे मारन मंडियां जा के देख भी कि मंडी च नुकसान होएगा, जेडे जेडे जिमीदारां दा नुकसान होया पैलियां च मंडियां च ते उन्हां दी भरपाई की जाए, जिदा कि हुण सरकार जिहड़े खराब होए झोने की गरदौरी हून कर रही है, मुलाजम हून गरदौरियां करन जा रहे हैं, जबकि वह झोने लोगों ने वढ़ के बाह के चार भी ले हन, ते वो बेटैमा ईदों बाद तंबा फूकन का कोई मतलब नहीं, जे कोई कार्रवाई किसी सरकार ने कोई किसी नुमाइंदे ने आना तो वह हूँ मौके का आ के इतने सरकार के नुमाइंदे आ के मुलाजम आ के देख तो हिसाब न बनता जो जिमीदारा मुआवजा जो आड़ती मुआवजा उन्होंने माल डंप किया भरया बोरिया तक गिलिया हो गई तो वो उन्होंने वास्ते प्रॉब्लम है, लेबर वास्ते बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम है, वह दोबारा खोल खोल के भरेगी वो लेबर कौन देगा, बस सरकार अगे मंग है भी जल्द तो जल्द जो है भी अपने बंदे भेज के मंडिया का मुआयना किया जाए, लोगों दैलियाँ पैलियां का मुआयना किया जाए, रात एन भी पी है भी कि नुकसान होया, तो जे झोने आंग ही करना भी जिदा झोने की गरदौरी हूँ तक अजे झोने बढ़ो गए तो हूँ तक गरदौरियां हो रही हैं, तो फिर तो अं रब अगे हाथ जोड़ने भरावा सरकार अगे तो हाथ जोड़ जोड़ के देख ले। मैं बिहार से हूँ जी, मैंने इधर भुआ मंडी में आया था काम करने के लिए, यहाँ काफ़ी बरसात होने के कारण बहुत नुकसान हुआ है और फसल जो है जिम्मेदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, मंडियों में पानी भरा हुआ है और हम लोग को काम करने में बहुत मुश्किल हो रहा है, कई दिन से 2-3 दिन से बैठे हुए हैं, खाने पीने का ही बहुत मुश्किल हो रहा है, और वो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो फसल ले कर आए हुए हैं इस मंडी में जिम्मेदार लोग उनको ज़्यादा नुकसान हो गया, उसको
भरपाई के बारे में कुछ सोचना चाहिए कि हम लोग मतलब मजदूर तो हैं, हम लोग की क्या प्रॉब्लम है। ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि काम नहीं मिल रहा है, इसके चलते मुझे मुश्किल हो रहा है यहाँ खाने पीने की हर चीज़ की, और जिम ज़्यादा मुश्किल में है पानी में। अभी तो देख लीजिए आपको सामने है, काफ़ी ढेर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पानी भरे हुए हैं। कम से कम इस मंडी में नहीं ज़्यादा तो मैं देख रहा हूँ एक फर्श पे कम से कम तो 2000 बोरी से ज़्यादा ही पानी में भी डूबे हुए हैं। एक फर्श की बात कर रहा हूँ, यहाँ मंडी में कई फर्श तैयार किए हैं। नुकसान तो काफ़ी है सर, अनुमान करें तो कम से कम किसी का 4 किले की, किसी का 2 किले की धान तो अभी यहाँ बरामद है, नुकसान हुए पानी में डूबे हुए हैं। मुश्किल तो सर हो रहे हैं, मुश्किल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं पानी में क्या होगा, मजदूरी हो सकता है क्या? पानी में कोई मजदूरी नहीं होगा, हम लोग वैसे ही बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मौसम साफ होगा तो पानी उन्हें सूखने के बाद 2-4 दिन लगेगा ही, तब तक तो बैठ के खाना पड़ेगा। सरकार से ये मांग करते हैं कि जो किसान को नुकसान हुआ है उसके बारे में सरकार सोचे कि भाई इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, कल ओला भी पड़ा है, पत्थर भी बर्फ़ भी गिरे हैं, जिसका कारण खेतों में भी ज़्यादा नुकसान हुआ है।